नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के रण में उतरे दिग्गज नेताओं के धार्मिक स्थलों पर शीश नवाते और पूजा पाठ करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समर्थन में सोशल मीडिया एक्स पर अकाउंट बनाया गया है। राजगढ़ लोकसभा के नाम से बने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिग्विजय सिंह का प्रचार प्रसार हो रहा है। दिग्विजय सिंह भी राजगढ़ लोकसभा अकाउंट को फॉलो करने की अपील कर चुके हैं। इस बीच चुनावी हिंदू को लेकर भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं और उनका ये दावा है कि पूजा अर्चना के बाद अन्न ग्रहण करते हैं। सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह का एक फोटो वायरल किया गया है। फोटो में दिग्विजय सिंह मंदिर में पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मीडिया चुनावी हिंदू बताती है। हालांकि दिग्विजय सिंह रोजाना देव दर्शन करने के लिए जाते हैं और दिन की शुरुआत भगवान की पूजा अर्चना से ही होती है। दावा किया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह कभी भी बिना पूजा अर्चना किए बिना अन्न तक ग्रहण नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा चुके हैं। अब उनकी मंदिर में पूजा करते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या करना है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया का ये कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। उन्हें मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीर वायरल करने से कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। जनता को ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के आगे सब कुछ बेमानी है और पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे। कांग्रेस से टिकट मिलने के कारण फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह खुद आम सभा में स्वीकार कर चुके हैं कि चुनाव कठिन है। सिसोदिया ने यह कहा कि दिग्विजय सिंह के लिए चुनावी हिंदू शब्द गलत नहीं है।